दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हां, क्विंटन डीकॉक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, और उन्होंने अपने जो इस्तीफा दिया है उसमें साफ साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले समय में अपने परिवार को वो समय देना चाहते हैं, और दरअसल जो बायो बबल लाइफ रहा है लगातार उससे वो परेशान हो चुके थे, और इसी वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि ओडीआई टी20 को लेकर कोई खबर ऐसी नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को लेकर के उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सेंचुरियन टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच हुआ है, इसके बाद वैसे भी वो लीव पर जाने वाले थे, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि क्विंटन डीकॉक ने अपने करियर में कुल 54 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें 91 पारियों में 3300 रन बनाए, जिसमें सबसे उनका जो सर्वोच्च स्कोर रहा वो 141 का रहा है। कुल मिलाकर 6 दफा नॉट आउट रहे हैं, जबकि उनके करियर में अगर आप देखें तो 22 अर्धशतक जबकि 6 शतक भी उनके बल्ले से निकलता हुआ नजर आया है। वहीं विकेट कीपिंग की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के उन्होंने अपने करियर में 214 कैच जो है विकेट के पीछे पकड़े, जबकि 11 जो है उन्होंने स्टंपिंग्स भी की है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि क्विंटन डीकॉक के साथ में रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला पारिवारिक कारणों की वजह से किया है कि टेस्ट क्रिकेट को अब आगे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में भारत के खिलाफ जोहान्सबर्ग और केप टाउन में नए विकेटकीपर के साथ में साउथ अफ्रीका की टीम को उतरना पड़ेगा। आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।